अदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स का एहसास था. Yet they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. तब भी उन्होंने जो है एक free competition करवाया elections के लिए ताकि जो है वो अपने आने वाले leaders को चुन सकें. They did so because this system works better in the long run. क्योंकि उनका ये मानना था कि ये system जो है long run में काफी अच्छा काम करेगा. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by the desire to serve them. Ideal world वो होता है जिसमें सारे political leaders जो हैं, उनको ये पता हो कि हाँ लोगों के लिए अच्छा क्या है और वो जो है उसी प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ते हैं कि उन्हें जो है लोगों की लोगों को सर्व करना है. Political competition is not necessary in such an ideal world. और इस तरह के ideal world में political competition की कोई जरूरत नहीं है. But that is not what happens in real life. पर ऐसा real दुनिया में नहीं होता. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by the desire to advance their political careers. चाहे पूरी दुनिया में ही क्यों ना हो, सारे political leaders बाकी professional की तरह जो हैं, इसी इच्छा से आगे बढ़ते हैं कि उनका अपना political career जो है, वो कैसे बढ़ाएं. They want to remain in power or get power or position for themselves. वो चाहते हैं कि उन्हें power मिले, ज़्यादा से ज़्यादा power मिले और position मिले अपने लिए. They may also wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. वो चाहते हैं कि वो लोगों की सेवा करें, पर वो इस रिस्क पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते कि उनको ड्यूटी निभानी है. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so. By chance, अगर वो चाहते भी हैं कि वो लोगों की सेवा करें, तो उनको ये नहीं पता कि करना क्या है. और their ideas may not match what the people really want. या उनके आइडिया उन लोगों से मैच नहीं खाते कि लोग एक्चुअल में चाहते क्या है. How do we deal with this real life situation? अब हम इस जो real life situation है, इससे कैसे निपटें? One way is to try and improve the knowledge and character of the political leaders. एक तो तरीका यह है कि जो भी knowledge है, character है political leaders का, या तो आप उसको बदलने की कोशिश करो, उसमें सुधार लाओ. The other and the more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished not for doing so. दूसरा तरीका जो कि ज्यादा कारगर हो सकता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स को भी जो है इनाम मिले कि आपने लोगों की सेवा करी और या उनको पनिशमेंट मिले कि आपने नहीं करी. Who decide this reward or punishment? अब इस रिवॉर्ड और पनिशमेंट को कौन डिसाइड करेगा? द सिंपल आंसर इज द पीपल. सही जवाब है लोग. दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज. और यही होता है इलेक्टोरल कंपटीशन में. रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. अगर रेगुलरली इस तरह का इलेक्टोरल कंपटीशन होता है तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या लीडर्स हैं उनको एक तरह से इंसेंटिव मिलता है. दे नो दैट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन. उनको पता है कि अगर आप जनता को जो इश्यूज उठाना चाहती है, अगर आप उनको ही उठाओगे तो उनकी पॉपुलैरिटी और जो चांसेस हैं जीतने के वो काफी बढ़ जाएंगे अगले इलेक्शंस में. बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. पर अगर वो वोटर्स को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे तो उनको जो है दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा इलेक्शंस जीतने का. So if a political party is motivated only by the desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. अगर कोई political party इस इच्छा से power में आना चाहती है तो कि उसको सत्ता मिल जाएगी, तब भी उसको मजबूरी में लोगों की सेवा करनी पड़ेगी. This is a bit like the way market works. ये वैसा ही है जैसे कि market काम करता है. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers. अब अगर कोई शॉपकीपर जो है ये चाहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तभी उसको जो है एक अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी कस्टमर्स को. इफ ही डज नॉट, द कस्टमर विल नॉट गो टू द सेम शॉप और विल गो टू सम अदर शॉप. अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कस्टमर दोबारा जो है उसकी शॉप पर नहीं आएगा, वो किसी और शॉप पे चला जाएगा. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. इसी तरह से political competition में भी बहुत जो है अलगाव होते हैं, बहुत गंदगी होती है, लेकिन तब भी finally होता क्या है कि जितनी भी political parties हैं या leaders हैं, उनको जनता की सेवा करनी पड़ती है.